मुकुल एस आनंद बॉलीवुड के ऐसे धाकड़ डायरेक्टर्स में से एक थे जिन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक जबरदस्त फिल्में बनाई। ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं था जिसने मुकुल एस आनंद के डायरेक्शन में काम न किया हो, फिर वो अमिताभ बच्चन हो या विनोद खन्ना या फिर धर्मेंद्र। अमिताभ के साथ मुकुल आनंद ने अग्निपथ, खुदा गवाह और हम जैसी सफल फिल्में बनाई। तो विनोद खन्ना का कमबैक मुकुल आनंद डायरेक्टेड इंसाफ से हुआ था। यहां तक कि अनिल कपूर और शाहरुख खान को भी उन्होंने एक फिल्म के लिए डायरेक्ट किया था, वो फिल्म थी त्रिमूर्ति। लेकिन मुकुल एस आनंद का एक ख्वाब अधूरा रहा। वे संजय दत्त, सलमान खान को लेकर एक फिल्म बना रहे थे, वो थी 10। इस फिल्म के प्रोमोज भी रिलीज किए गए थे। एक गाना सुनो गौर से दुनिया वालों आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को बजाया जाता है। इस फिल्म को पूरा करने से पहले ही वे इस दुनिया को अलविदा कर गए। उनकी फिल्म में संजय दत्त और सलमान खान के साथ रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी और विनोद खन्ना थे। हालांकि 10 नाम की दूसरी फिल्म बनी जिसमें संजय दत्त हैं, लेकिन वो मुकुल आनंद की नहीं बल्कि अभिनव सिन्हा ने डायरेक्ट की थी, जिसका मुकुल आनंद की 10 फिल्म से कोई लेना देना नहीं है और ये फिल्म बिल्कुल अलग है।